नगर निगम जबलपुर की सत्ता पर 18 साल के बाद काबिज हुए कांग्रेस पार्टी के लिए नगर निगम की सत्ता का ताज कांटों भरा है। नगर निगम महापौर द्वारा बनाई गई 10 सदस्यीय मेयर इन काउंसिलिंग पर कांग्रेस विधायकों की अनदेखी कर मेयर इन काउंसिलिंग का गठन करने का आरोप लग रहा है। अब उसी मेयर इन काउंसिलिंग के एक सदस्य की भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू ने शिकायत की है। ईओडब्ल्यू में मेयर इन काउंसिलिंग के सदस्य की शिकायत होने के बाद से कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई है। आम आदमी पार्टी के आबिद अंसारी द्वारा 25 अगस्त को ईओडब्ल्यू में मेयर इन काउंसिलिंग के सदस्य गुलाम हुसैन के खिलाफ भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर शिकायत की गई है। शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत में कहा है कि वर्ष 2015 से 2020 तक गुलाम हुसैन लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के पार्षद थे और वर्तमान में ठक्कर ग्राम वार्ड से पार्षद हैं। गुलाम हुसैन को इस बार मेयर इन काउंसिलिंग का भी सदस्य बनाया गया। 2015 में लाल बहादुर शास्त्री वार्ड का पार्षद रहते हुए गुलाम हुसैन ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। तो वहीं शिकायतकर्ता ने 3 पन्नों की शिकायत में तत्कालीन पार्षद गुलाम हुसैन द्वारा अपने कार्यकाल में किए गए भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है और उसकी जांच की मांग की है। तो वहीं ईओडब्ल्यू में शिकायत के होने के बाद भी गुलाम हुसैन ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा बताया है। गुलाम हुसैन का कहना है कि वो शिकायत की जांच के लिए तैयार हैं, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर वो दोषी नहीं पाए गए तो शिकायतकर्ता के ऊपर मानहानि का दावा करेंगे। जबलपुर से कलीम अंसारी की रिपोर्ट। ईओडब्ल्यू में शिकायत हुई, क्या है पूरा मामला? सही, मेरे को पता चला है, मेरे व्हाट्सएप में भी आया है, ईओडब्ल्यू में मेरी शिकायत हुई है। वो शिकायतकर्ता जो हैं, जो भी हैं, उनका भी चरित्र सामने है और 5 करोड़ का घोटाला नगर निगम पार्षद करे, ये खुद ही एक अपने आप में सोचने वाली बात है कि 5 करोड़ का घोटाला। उनको ये ज्ञान नहीं है कि नगर निगम में पार्षद मत कितना होता है और क्या होता है। ये पहले भी जो लोगों ने शिकायत की है, ऐसा मुझे किसी का नाम पता चला है, उनकी मैंने पहले शिकायत की थी। वो 2-2 घंटा थाने, 3-3 घंटे थाने में बैठ के गरीबों का जो है संबल योजना, विवाह संबंधित योजना का पैसा खाते थे और ऐसे बहुत सारे दलाल हैं जिनको हमेशा हमने मुखालफत की है। और यदि वो मेरी शिकायत करे तो उसकी विधिवत तरीके से जांच होना चाहिए। जांच में जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई जो होना चाहिए। यदि मैं दोषी नहीं हूँ तो मैं आने वाले समय पे इनके ऊपर मानहानि का दावा ठोकूंगा। आपका नाम? गुलाम हुसैन पार्षद, MIC से। बस क्या मामला है 5 करोड़ के जो गबन का आपने आरोप लगाए? देखिए, जो पूर्व पार्षद थे लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के, वार्ड नंबर 49 गुलाम हुसैन जी, और वर्तमान में अभी टक्कर ग्राम से पार्षद बने हैं कांग्रेस के, और उनको MIC सदस्य में भी जगह दी गई है। तो मैंने माननीय आज ईओडब्ल्यू साहब को एक लिखित आवेदन दिया है और सबूत के साथ दिया है, जो मैंने ITI लगा कर नगर निगम के तहत पूरे कागजात निकलवा के सबूत के साथ मैंने वहां पेश किया है। जो घोटाला कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है, जो एक बार नाली सेंसन हुई है उस नाली के माध्यम से 3-3 बार पैसा निकाल लिया गया है। और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ब्रेकर के नाम पे और नाले के ऊपर जो डलता है, क्या बोलते हैं, ब्रेकर, उस ब्रेकर के नाम पे, पुलिया के नाम पे और नाली को डबल तिबल के नाम पे फर्जी तरीके से नाम पेश कर करके उन्हें एक नाली को 6-6 बार सेंसन कराकर उन्होंने पैसा गबन किया है, गवर्नमेंट को चूना लगाया है और हमारे देश की जनता को, हमारे लाल बहादुर शास्त्री वार्ड की भोली वाली जनता को धोखा दिया है, जिसका उजागर मैंने किया है। और ऐसे कई अनेक काम उन्होंने जो वर्तमान में रहते हुए किया है, तो ये हमारी अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच विचारधारा है वो ये है कि भ्रष्टाचार देश मुक्त हमें करना है और ऐसे भ्रष्टाचारियों को हमें इस देश से खदेड़ के निकालना है। और ऐसे लोग MIC में रहेंगे, ये हमारे शहर के लिए बहुत दुखद की बात है कि हम भोले भाले जनताओं को लूट कर और MIC सदस्य बन जाएं, और ऐसे लोग के ऊपर कार्रवाई हम चाहते हैं। हमें महापौर जी से भी और माननीय ईडब्ल्यूसी साहब से भी बहुत आशाएं हैं, उम्मीद हैं कि उन्होंने हमें दिलासा भी दिया है कि बहुत जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और विधिवत कार्रवाई की जाएगी, निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। नाम मोहम्मद आबिद मंसूरी,
आम आदमी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष